हेलो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं वंस अपॉन ए स्मॉल टाउन एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि ली सेंगयून प्रपोज करता है ऑफिसर आहन को आई लव यू कह के, और फिर अचानक से नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हांजीउल के घर के बाहर ऑफिसर आन खड़ी है और वहाँ पे गोलू आता है। तो वो गोलू को स्कूल लेने जाने के लिए जैसे साइकिल चलाती है तो वहाँ से ना अपने घर के बाहर से हांजीउल निकलता है और इन दोनों को देखता है। तो दोनों ना ऐसे हेलो कहते हैं, तो वो हेलो कहता है और उन दोनों को उसके बाद मुझे काम है कह के इग्नोर करके चला जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी है हमारी ऑफिसर आन, अकेली बैठी है और थोड़ी सी खोई खोई सी हमें लग रही है, बिकॉज वो रात को ना सेंग्यून उसे अचानक से प्रपोज कर देता है और उसका बचपन का दोस्त भी है। ऐसे कैसे उसने अचानक से प्रपोज कर दिया, ये सब सुन के ना वो हैरान हो जाती है उस टाइम, और वो तब से लेके अभी तक वो बात को सोच के वो खोई खोई ही रहती है। और फ्लैशबैक सीन यहाँ देखने को हमें मिल रहा है कि जब वो प्रपोज करता है और उसके बाद सेंग्यून कहता है कि अभी मत आंसर देना, मुझे कुछ दिन बाद ये सोच समझ के तुम आंसर देना, अभी से अचानक से मुझे ऐसे मना मत कर देना, मेरे ऑफर को रिजेक्ट मत करना, ये कहता है। और जब वो ना कॉल करती है ना कुछ उसको रिप्लाई देती है, तब वो मिलने आ जाता है हमारे ऑफिसर को। वो अपना कॉफ़ी जो शॉप खुला है उसमें कॉफ़ी लेके वो आता है पिच फार्म से सेंग्यून मिलने ऑफिसर आन को, और कहता है कि देख मुझे तुम ना अवॉइड मत करना, हमारी दोस्ती ना खराब मत करना, जैसे हम पहले रिलेशनशिप में थे जो दोस्त के नाते, वैसे ही सब हम अभी भी दोस्त हैं, और तू मुझे ना ये मत सोच कि मैंने तुझे प्रपोज कर दिया तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, हम जैसे पहले थे वैसे ही तू मुझे ट्रीट कर, और प्लीज़ मेरे फ़ोन का आंसर देना, मेरे मैसेज का रिप्लाई देना, अचानक से मुझे ऐसी दोस्ती मत तोड़ना। ये सब उसे बहुत टाइम तक समझाता है और कहता है कि अब मुझे रिजेक्ट मत करना और सोच समझ के कुछ दिन बाद तुम आराम से मुझे कहना, अगर तू हाँ भी कहेगी तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर तू ना कहेगी भी तो जैसे पहले दोस्त थे वैसे ही सेम रहेंगे, और मैं तुझे एक बहन के नाते, एक मम्मी के नाते, एक दोस्त के नाते, एक बड़ी बहन या दोस्त कुछ भी ऐसे नाते तुम मुझे ऐसे लगी तो तुम मैंने प्रपोज कर दिया। अरे तू मेरी दोस्त है लेकिन तू तो लड़की है ना, तो सोच ना कैसे मेरी फीलिंग्स है, तो ऐसे मैंने बता दिया तो जैसे पहले थे दोस्त, मम्मी पेरेंट जैसे भी थे हम वैसे ही सेम ही रहेंगे, ऐसे कहकर बहुत समझाता है और कहता है चल मुझे, मैं जा रहा हूँ, मुझे बाहर तक मुझे छोड़ दे, ऐसे कह के जैसे वो कहता है, और ये दोनों ना ऐसे हंसती है थोड़ा सा और ऐसे कॉफ़ी पिला देती है। तो ये सब कुछ ना नोटिस करता है बाहर हमारा हांजीउल और देखता है और थोड़ा सा जेलस फील करके वहाँ से चला जाता है। जब पुलिस स्टेशन के बाहर इन दोनों को देखता है हांजीउल और वहाँ से इसे गुजरता है और अपने क्लिनिक पहुँच जाता है, तो वहाँ पे नर्स बैठी है, तो नर्स के साथ थोड़ा डिस्कशन ऐसे बात करता है। फिर नर्स कहती है कि ऑफिसर आन ना जंगल गई है, वो अपने जो डॉग को अडॉप्ट की है उनके जो तीनों बच्चे जो पैदा हुए हैं वो उनको लाने गई है, तो वो अकेले ही चली गई है, उसके साथ कोई भी नहीं गई। तो ये सब बात सुनता है और याद करता है, तो वहाँ पे हांजीउल कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा, तो तुम किसी के साथ जाना, लेकिन ये ना अकेले ही चली जाती है जंगल। तो वहाँ पे पीछे पीछे हांजीउल आता है और देखता है कि वो एक एक करके डॉग को ऐसे ले जाने के लिए अपने उस बास्केट में डाल रही है। तो हांजीउल ऐसे देखता है और कहता है कि तुमने किसी को ऐसे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया, तो ऑफिसर आन कहती है अरे मैंने सबको पूछा लेकिन सब ना अपने ही काम में बिजी हैं, तो मैं अकेले ही आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई, अरे तुमने तो जैसे आए और एक बेबी को पकड़ भी लिया, पपी को, और देखो मैं ना नहीं पकड़ पाती, ये बहुत मुश्किल है। तब हांजीउल नोटिस करता है कि उसके हाथ पे ना ऐसे लग गया है, तो वो उसे कहता है कि चलो इन लोगों को क्लिनिक ले जाते हैं, वहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करूँगा, ये तीनों बेबी कैसे हैं। तो वो क्लिनिक ऐसे लाता है और देखता है कि सब बेबी अच्छे हैं, और ऑफिसर आने से बात करती रहती है, थोड़ी हंसी मजाक उसके साथ करती है, और वो देखता है ना उसके हाथ में लगा है तो वो थोड़ा सा झिझकता है। और उसके बाद जैसे ऑफिसर आन चली जाती है तो उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मैं ऐसे सब चीज़ों को मैं ऐसे इग्नोर भी नहीं करता हूँ, और तुम्हारे हाथ पे लगी है ऐसे किसी मैं तुम्हें जाने दूंगा, ऐसे कह के उसका हाथ को ट्रीटमेंट करता है, कुछ मेडिसिन लगाता है और बैंडेज लगाता है। तो ऐसे कहता है कि मुझे ना तुम ऐसे अभी भी बच्चे जैसे ही लगते हो, ये मत सोचो कि मैं हर बात पे ना ऐसे नोजी होती हूँ, एक्चुअली मुझे सबका हेल्प करना अच्छा लगता है और इसीलिए मैं भी तुम्हें ऐसे हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे नए आए हो गाँव में और तुम तो बाहर के हो, तो इसी वजह से। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ के लिए आया हूँ, तुम इसी वजह से मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, मुझे पता है, तो मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तो वो कहता है कि तुम मुझे 13 साल के छोटे बच्चे लगते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ऐसे हेल्प करती हूँ, तो ये मत समझना कि मैं हर चीज़ पे यहाँ वहाँ नोजी होती हूँ।
तो ये बात दोनों ऐसे हंसते हुए बात करते हैं। प्रोफेसर आन फिर उसकी आंख की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने नया कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिया? हाँ, पूछने के लिए थैंक यू, ऐसे कहता है हैंजुल। और ऑफिसर आन कहती है कि मैं हर चीज़ों पे दखल देती हूँ, तुम्हें बुरा लगता है क्या? हाँ, मुझे पता है तुम एक ऑफिसर हो और अच्छी नागरिक का तुम जिम्मेदारी उठा रही हो, इसी वजह से तुम मेरी हेल्प कर रही हो। ऐसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, ये ना कुछ बचपन का दोस्त है, उसे याद नहीं है हांजीवल को, लेकिन इतना भी क्यों ये पूरा घुसी चली जाती है इसके पास में, हमेशा उसके आसपास ऐसे मंडराती रहती है, और ये ना बहुत ही अकोड फील करता है हमारा हांजीवल। फिर सेंगियुल ना और हमारा वो छोटू मोटू गोलू, वो दोनों आते हैं क्लिनिक को, तो गोलू रो रहा होता है, तो हांजी पूछता है क्या हुआ? तो गोलू कहता है कि मैंने अपने डॉगी को ना चॉकलेट खिला दिया, तब से ये ना बेहोश पड़ा है, उठ ही नहीं रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डॉग को ट्रीटमेंट कर दूंगा। तो वो कहता है प्लीज डॉक्टर मेरे ना डॉगी को ठीक कर दो, ऐसे करके ऐसे मिन्नत करने लगता है गोलू। तो उसके बाद कहता है कि हांजी बोल की अरे तुम ऐसे मतलब कि परेशान मत हो और ना तुम रो मत, मैं ना इसको ऐसे उल्टी करवा देता हूँ तो डॉगी ठीक हो जाएगा। तो हांजी बोल क्या करता है, डॉग का जितने भी पेट में चॉकलेट है सब निकाल देता है, तो डॉग अच्छा हो जाता है। तो वो थैंक यू कहता है। तो उसके बाद ना सेंगियुन ऐसे बाहर आता है और बहुत सारी बातें सुनाता है, फिर से अगेन इस एपिसोड में भी वो बहुत बात सुनाता है हांजीवुल को। तो हांजीवुल ऐसे गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें पता है ऑफिसर आहन आज क्यों नहीं आई, मैं आया हूँ इस डॉगी को लेके गुल्लू के साथ। तो कहता है क्यों? क्योंकि ऑफिसर आहन ना तुम्हारा साइकिल खराब हो गया था, तो अपनी साइकिल से वो पैडल निकाल के तुम्हारे साइकिल पे ऐसे लगाई और चलते चलते इतना सारा काम की तो उसका पैर दर्द हो रहा है और उसको बुखार हो गया है और वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और तुमने एक बार उसे थैंक यू भी नहीं कहा, और तुमने सबका तुम हेल्प लेते हो और बदले में तुम थैंक यू तक नहीं कहते हो। हाँ हमें पता है तुम कुछ दिनों के लिए ही आए हो और तुम चले जाओगे और हमेशा दिन गिन रहे हो कब यहाँ से जाओगे, और तुम्हें यह भी लगता है कि वो हमेशा हर चीजों पे दखल देती है, लेकिन वो सबका अच्छा सोचती है, सबका भला चाहती है, और तुम्हें वो हेल्प इसीलिए करती है क्योंकि तुम यहाँ पे परेशान ना हो। तो इस बातों को तुम उल्टा मत लेना और अपने जिंदगी में सबको अवॉइड मत करो, तुम यहाँ पे आए हो सबको इग्नोर मत करो, सबको थैंक यू ये करो और सबका एहसान जो लिए हो ना सबको वो तुम उनका सबका शुक्रिया अदा करो, ये सब समझाता है। तो वो हड़बड़ी में फिर ऑफिसर आन को देखने चला जाता है। तो जैसे वो ऑफिसर आहन को मिलने जाता है, तो ऑफिसर आहन एक जो घरेलू क्लिनिक होता है जो हमारे आयुर्वेदिक टाइप कुरियन में भी वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे ना इसे लकड़ी को काट रही है और अपने पैर पे ना इसे नीडल लगा के जो उसका पैर दुख रहा है वहाँ पे बैठी है। तो ये सब कुछ देखता है हांजीवल और आता है, तो देखता है वहाँ पे भी अगेन वो काम कर रही है, सबका हेल्प कर रही है। तो हांजीवल आके बहुत सुनाता है, अरे तुम ना अभी आराम करने का तुम्हारा टाइम है, फिर भी तुम काम कर रही हो, ऐसे तुम पैर पे नीडल लगा है तो आराम से सो जाती, तो ये क्या तुम अभी लकड़ी काट रही हो, तुम्हें क्या बहुत अच्छा लगता है क्या सबका हेल्प करके शुक्रिया सुनना, थैंक यू सुनना, ये तुम्हें कोई तुम किसी का हेल्प कर दो तो वो बदले में तुम्हें थैंक यू बोले तो तुम्हें मजा आता है कि सुनने में, और ये क्या तुम एहसान दिखाते हो, देखो मैं कितना काम कर रही हूँ, सबका भला कर रही हूँ, सब मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, तुम ये सब दिखावा कर रही हो, ये सब कुछ बोल के ना बहुत सुनाता है। तो अभी सरवान वहाँ पे रो रो देती है और कहती है हाँ मुझे अच्छा लगता है सुनना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। तो गुस्से में वो फिर से कुछ बातें सुना के वहां से चला जाता है हांजीवुल। तो हांजीवुल वहां पे जैसे जाता है तो क्लिनिक में ऐसे गोलू वहां पे होता है, अपनी डॉगी को देख रहा होता है, तो ऐसे गोलू को वो समझाता है हांजीवुल की तुम्हारा डॉगी ठीक है, तुम परेशान ना हो। तो गोलू कहता है कि क्या आप हमें अच्छी नहीं लगती क्या ऑफिसर आन और हमें, क्योंकि आप हम सुबह आपको हमने हेलो कहा फिर भी आप हमें इग्नोर करके चले गए, क्यों आप हमें पसंद नहीं करती क्या? तो ये सब सुन के ना थोड़ा सा हैरान हो जाता है हंजीवल और वो कुछ नहीं कहता है। और हंजीवल से डांट खाने के बाद ऑफिसर आन थोड़ा निराश होकर नेक्स्ट फिर पुलिस स्टेशन आती है, तो वहाँ पे दोनों ऑफिसर कहते हैं आज तो तुम्हारा सिक सिक लीव है, फिर भी तुम क्यों आ गए हो, तुम तो छुट्टी में हो, सिक हुआ है तुम्हें, हमें पता है तुम बहुत मेहनती हो और फिर भी तुम्हें घर में आराम करना चाहिए। नहीं, मैं घर में रहते रहते ना पूरा बोर हो जाती हूँ तो इसलिए मैं आई हूँ, कुछ काम है तो मैं यहाँ पे कुछ देर बैठ जाती हूँ। नहीं, तुम्हें ना हमारा ये ऑफिसर छोड़ने जाएगा घर तक, तुम ऐसे चलते चलते मत आओ, तुम एक पैर तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि उसे वो ऐसे भिजवा देते हैं ऑफिसर, उसे कार में लेके चले जाते हैं हमारे ऑफिसर आन को। और यहाँ पे वो गोलू से बात कर रहे हैं हांजीवुल। तो इस सीन में हम देख रहे हैं कि गोलू कहता है चलो हम
ऐसे आन दीदी को कॉल करते हैं, ठीक है, आप उनको ना सॉरी कह देना अगर आप में लड़ाई हुई है तो ठीक है, कह के वो गोलू फोन लगा देता है। तो वो कार में बैठी है ऑफिसर के साथ, हमारे ऑफिसर आन, तो वो फोन उठाती है और कहती है कि सॉरी गोलू, आज मैं तुम्हें मिल नहीं पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं स्टेशन से अपने घर की तरफ जा रही हूँ और साथ में वो हमारे ऑफिसर भी हैं, हमें ऐसे मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये सब बातें करती रहती है गोलू के साथ, तो ये सब कुछ स्पीकर में होता है। तो वो हांजीवुल सुनता है, जो हांजीवुल जब सुनता है तो ऐसी चिल्लाने की आवाज आती है अरे अरे करके, और वहां पे ना बैलेंस बिगड़ जाता है बहुत बारिश के कारण कार का, और कार ना एक गड्ढे में गिर जाता है। तो ये सब फोन पे सुनता है हांजीवुल और दौड़ दौड़ के अब वो चला जाता है वहां पे स्पॉट पे, और वो बातें सुनता है कि वो कहाँ तरफ जा रही है, वहां तरफ वो आ जाता है हांजीवुल और कार को देखता है, कार पर एक्सीडेंट है, एक गड्ढे में गिर गया है। तो वो कार का जो विंडो है ना वहां पे चिल्लाता रहता है ऑफिसर आन कह के, और दूसरे ऑफिसर का नाम बुला के भी वो चिल्लाता है, और एक पत्थर लेके वहां पे कार की विंडो को फोड़ने की कोशिश करता है। तो उसे उसके पास्ट की कुछ बातें याद आती है, और यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर ऑल।